हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका फ्रॉम उत्तराखंड। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून और कैलाश भाई साहब के यहाँ आ गए हैं हम लोग। थोड़ी सी मैंने क्लिप्स ली हैं उनके ड्राइंग रूम की, क्योंकि कोई गेस्ट आए हुए थे और वो उनसे बातें कर रहे थे और साथ में मेरे हस्बैंड भी। हिमादी का मूड ऑफ था, बहुत नाराज़ हो रही थी। फिर गुनगुन मुनमुन उनसे छत पे ले आई तो मैं भी थोड़ी छत में घूमने लगी। सराउंडिंग बहुत अच्छी लग रही थी, ग्रीनरी सबको अच्छी लगती है और देहरादून का वेदर तो वह बहुत ही अच्छा रहता है। मैं एक साल रही हूँ यहाँ पर, मैंने एमएड करा है देवभूमि से, देहरादून से, तो 1 ईयर काटा है मैंने यहाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था, डेली बारिश होती थी यहाँ पर, बहुत अच्छा वेदर, ठंडा ठंडा सा रहता था। छत में आया जाए तो मैं आ गई हूँ छत में देखने के लिए। देखिए मुनमुन है, हिमाद्री है, गर्व है। नाइट का टाइम हो गया है और हम लोग जहाँ हमें स्टे करना था हम लोग वहाँ के लिए चल दिए हैं। तो मैंने थोड़ी सी मार्केट की वीडियो बनाई क्योंकि लाइटिंग थी, दीपावली का टाइम था तो अच्छा लग रहा था, बहुत रोशनी थी, चमक धमक थी मार्केट में, अच्छा सा फील हो रहा था। दीपावली की वैसे काफ़ी भीड़ हो रही थी इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत टाइम लग रहा था, चाहे वो प्लेस पास में ही हो लेकिन टाइमिंग बहुत लग रही थी। हम लोगों को भी अच्छा खासा टाइम लग गया अपने जहां हमें स्टे करना था वहां तक पहुंचने में। देहरादून की मार्केट तो वैसे ही बहुत बढ़िया है, सारी ब्रांड्स हैं यहाँ पर, क्योंकि मैं रही हूँ मुझे पता है कि देहरादून इज़ द बेस्ट, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। बस हम लोग पहुँच गए हैं जहाँ हमें स्टे करना था, बस थोड़ा गार्डन था वहाँ हम घूम रहे थे, तो MLA गेस्ट हाउस है ये, तो हम लोग वहाँ हम लोगों ने स्टे करा था। देखिए सब लगभग काफ़ी लोग हैं यहाँ स्टे, मतलब काफ़ी लोग दिख रहे थे तो हम लोग थोड़ा सा नीचे का गार्डन में घूमने लगे, अच्छा सा फील हो रहा था। फिर बाद में हम लोग रूम में गए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है, वो नाइट की थी। ये देखिए मॉर्निंग के टाइम भी कितना अच्छा सा लग रहा था, बस हमने उस दिन खाना खाया था उसके हम लोग सो गए थे क्योंकि थकान बहुत लग गई थी। हम लोग मुझे गार्डन मतलब लॉन बहुत अच्छा लगा और बस बच्चों के साथ इंजॉय करा खूब। हम सब ने नहा धो लिया है, गला ख़राब हो गया है। हम लोग जा रहे हैं मसूरी घूमने के लिए, सुना ठंडा तो बहुत हो रहा लेकिन फिर भी चले जाते हैं, देखा जाएगा। गला तो सबका ख़राब हो ही रहा है तो फिर निकलते हैं मसूरी के लिए। वहाँ पर थोड़ी बहुत वीडियो बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर जरूर करूँगी। अब क्या वैसे मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रही, थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ले रही हूँ और वही सब आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगी हल्द्वानी पहुँच के। हम लोगों ने सिर्फ चाय पी थी तो फिर मसूरी जाने से पहले हमने सोचा कि ऑन द वे हम लोग कुछ लोग हम ब्रेकफास्ट ले लेते हैं, तो फिर हम लोग एक ही मद्रासी टाइप का रेस्टोरेंट था, अच्छा था यहाँ का खाना। खाना के हम लोगों ने इडली सांभर और डोसा लिया तो काफ़ी टेस्टी था, लुक भी इसका अच्छा लग रहा था तो अच्छा मतलब लगा, टाइम लगा। और ये हैं कार्तिकेय जी गुनगुन मुनमुन के बड़े भैया, तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कब ब्रेकफास्ट आए और हम लोग खाएं और फिर मसूरी के लिए निकले। हिमाद्री को इडली उसके पापा खिला रहे हैं, इडली पहले आ गई थी लेकिन डोसा बनने में थोड़ा टाइम लगा था। डोसे का साइज बहुत बड़ा था जिसे गर्व हुआ मैंने मिलके खाया, अकेले तो मेरे बस की बात नहीं थी। बस हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा और मसूरी के लिए हम लोग निकल गए। थोड़ी सी क्लिप्स ली है मैंने रास्ते की तो ये सब वीडियो हैं। ये देखिए लगभग हम मसूरी पहुंच चुके हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई है, मतलब मसूरी क्या पहुँचे हैं अभी, मतलब मसूरी से थोड़ी सी दूर हैं, दूर से मसूरी दिखाई दे रही है। देखिए कितना अच्छी सीनरी है,
यहाँ की प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छे हैं और सच में पहाड़ की तो बात ही अलग होती है, वहाँ का व्यू वगैरह कितना अच्छा लगता है। बस ये आ चुके हैं हम मसूरी और मैं मार्केट में, कार से हम उतर गए हैं और अब पैदल पैदल हम मार्केट में घूमने के लिए चल दिए हैं। बच्चों ने क्या लिया था, पपेट लिया था, दो पपेट क्या थे, सिलिकॉन के पॉपेट, मैं बोल नहीं पा रही हूँ घर बोल रहा है, तो कार्तिक के और ये साथ साथ जा रहे थे और मैं बच्चों के साथ घूम रही थी। और आइसक्रीम तो भैया बच्चों की फेवरेट है रही, इतना ठंडे मौसम में भी इन दोनों ने आइसक्रीम खाई ली, लेकिन मैंने नहीं खाई, मैंने कहा मेरा गला खराब हो जाएगा, मैंने कॉफ़ी और चाय ही ले। अच्छा था मार्केट, वुलन्स तो बहुत ही अच्छे मिल रहे थे और जो शॉपिंग करने का शौकीन है तो उसकी तो ऐसा हो जाता है ना कि मैं क्यों नहीं खरीद पा रही हूँ, ऐसी हालत हो जाती है। तब भी मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ले पाई। बस बच्चे रुक गए हैं सॉफ्टी खाने के लिए। ठंडी तो है ही नहीं। अच्छा। इस जगह से बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा था तो हम लोगों ने थोड़ी वीडियो कैप्चर करी यहाँ से, क्योंकि बहुत बढ़िया लग रहा था, पहाड़, ग्रीनरी, नीचे घर बने हुए, सच पे पहाड़ों की रानी ही है वाकई मसूरी, जो कहा गया है ना पहाड़ों की रानी, तो बिल्कुल सही कहा गया है मसूरी के। हम लोग घूम रहे हैं मसूरी की मार्केट में, थोड़ी सी शॉपिंग भी की है लेकिन मोस्टली विंडो शॉपिंग चल रही है। मैंने बुलेंस लिए हैं थोड़े से सॉफ्ट वाले। बच्चों के लिए एनिमल फेस वाली कैप्स खरीदी, मिस्टर प्रदीप पत ने भी पहन ली है। और बच्चों को भुट्टा दिखा तो दोनों ने मुझसे कहा दिलाओ, तो मैंने इन दोनों को भुट्टा दिला दिया और दोनों इंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम कैंपटी फॉल के लिए निकल गए, लेकिन वो वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूँगी और इसके साथ मैं अटैच कर रही हूँ फिर से देहरादून की वीडियो। हाय, बहुत दिनों बाद हम मिले हैं, मेरी बीएड फ्रेंड अपर्णा, बीएड वाले तो सब जानते होंगे जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर रखा है। हाँ, सभी बीएड फ्रेंड्स को हेलो। अपर्णा के घर हमने खाना खाया, उसके बाद हम अपने मैं अपने भैया, मौसेरे भाई हैं नितिन भैया, उनके घर के लिए निकल गई। थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे उनसे मिले, क्योंकि काफ़ी समय बाद हम देहरादून गए थे तो ये लगा कि चलो जब देहरादून गए हैं तो मिल के आ ही जाते हैं। वैसे ही भैया जब हल्द्वानी आते हैं तो चांस की बात ऐसा होता है मुझे पता ही नहीं चलता है ना भैया हमारे यहाँ आ पाते हैं, तो जब भी मैं देहरादून जाती हूँ तो उनके यहाँ मिलने ज़रूर चली जाती हूँ। तो हमारी हो रही है अब देहरादून से निकलने की तैयारी, और पहले जाएंगे हम रामनगर, थोड़ा सा रास्ते में रुकेंगे कोई देखने योग्य प्लेस हुआ तो, और नाश्ता भी रास्ते में ही करेंगे। हिमादी कुछ कह रही थी तो इसलिए मैंने वीडियो वो पॉज कर दी थी। कुछ गेम ले रखा है, देखिए उसने ये देखिए सिलिकॉन का ले रखा है, कह रही रेड कलर का एप्पल होता है, कलरफुल, ये यूट्यूब में बच्चों को बहुत दिख रहे हैं, दोनों ने ही खरीदे हैं, क्यूब्स खरीदी हैं। कपड़े वगैरह मैंने लिए हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे जो देखिए हिमादी ने ये टी शर्ट नई पहन रखी है, ये मैंने विशाल मेगा मार्ट से खरीदी थी। सिया के लिए कपड़े लेने थे तो मैंने इनके लिए भी ले लिए थे, क्योंकि मैंने कहा चलो ले लेती हूँ, इस समय सेल भी चल रही है, ठीक रीजनेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं, और कपड़े मैं उतने लाए भी नहीं थी, रखते वक्त तो लग रहा था मैं कितने कपड़े ले जा रही हूँ, लेकिन बच्चे के दिन में दो दो बदल रहे थे उस हिसाब से मैं नहीं लाई थी। लोअर्स वगैरह जीन्स तो लाई थी लेकिन ऊपर स्वेटशर्ट्स में उतनी नहीं लाई थी, और मसूरी जाने मुझे दो दो पहनानी पड़ गई, तो फिर बच्चे भी पहनते नहीं हैं, या आपने पहना दिया हम नहीं पहनेंगे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगी ध्यान रखूँगी कि खूब सारे कपड़े लेके आने हैं, कोई बात नहीं, कार में तो जाना है, कार को भर दूँगी कपड़ों से। तो चलिए इसी के साथ ही मैं वीडियो का एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको किसी नई वीडियो में, इसी के सेकंड या थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय। ये देखिए हमारी बाय कह रही है।